सीरियल उड़ारियां का आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है। सब लोग काफी दुखी हैं, फिर चाहे वो फतेह हो, फतेह की माँ हो, फतेह के पापा हो या फिर तेजो के मम्मी पापा, सबको यही लग रहा है कि जैस्मीन जो है सबको अब एक उंगली पर नचाने वाली है, क्योंकि अब शादी जो होने वाली है, यहाँ पर तेजो को आकर तेजो की माँ बताती है कि मेहंदी में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से धक्के मार रही थी जैस्मीन अमरिक को और किस तरीके से फतेह को, और ये भी कह रही थी कि फतेह ने कितनी भी गलती क्यों ना की हो लेकिन आज फतेह पर तरस आ रहा था। यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर तेजो बहुत घबरा जाती है और कहती है कि किसी ना किसी को तो जैस्मीन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैस्मीन अपनी मनमानी करती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो कहती मुझे फतेह से मिलना होगा, फतेह को इस तरीके से उसने किया है, मैं एक बार फतेह से जरूर मिलूंगी। और इधर फतेह बहुत परेशान है, बूजों से मिलने गया है, जहां कह रहा है कि आज मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल रही है, मैंने बहुत गलत किया सबके साथ और आज मेरे साथ गलत हो रहा है। बूजों उसे हौसला दे रहा है और कह रहा है कि अभी भी समय है फतेह, कुछ हम करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर फतेह कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेल, इधर घर पर दिखाया जा रहा है फतेह के कि यहां पर खुशवीर सिंह के आंखों में आंसू है, जिस तरीके से मेहंदी की रस्म में उनके और उनके बेटों के साथ जैस्मीन ने किया। और जैस्मीन जो है वो दोनों नंदों से ये कह रही है कि उसे तैयार करें, खूब सुंदर तैयार करें। वेल, और इधर तेजो और फतेह मिलते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को हौसला बनाते हैं, जहां फतेह कहता है कि ये हम लास्ट बार मिल रहे हैं, कल मेरी शादी हो जाएगी तेजो। ये सब जैस्मीन देख रही होती है और जैस्मीन तेजो को शादी में बुलाती है। यहां पर सेहरा बंध चुका है, जी हां, वो दिन आ गया है जब फतेह की शादी जैस्मीन से होने वाली है। सबने सेहरा बांध लिया है, फिर चाहे वो जैस्मीन के घर वाले हो या फिर तेजो के घर वाले। जैस्मीन के घर वाले शादी के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन शगुन जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं और तेजो के पापा मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी थोड़ी ही है कि मैं शगुन लेकर जाऊं। यहां पर दादी कहती है कि फिर भी बेटा शादी तो हो रही है ना कुछ लेकर तो जाना ही पड़ेगा। मतलब देखना दिलचस्प होता है कि इस अतरंगी शादी में कौन से नए ट्विस्ट दिखाए जाते हैं, क्योंकि तेजो गुरुद्वारे में है और बाबा से रहम मांग रही है और कह रही है कि किसी तरीके से कुछ तो चमत्कार कर दो बाबा। देखना दिलचस्प है कि क्या चमत्कार होने वाला है।